तो इस वीडियो में हम करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 8 का OTG सपोर्ट टेस्ट, क्योंकि हो सकता है कि इसमें OTG को स्किप किया हो, क्योंकि बजट में बहुत ज़्यादा फीचर्स दे रखा है और इसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन माइक भी नहीं है जो होना चाहिए था, तो मेरे को लगता है कि इसमें स्किप हो रखा हो। तो इस वीडियो में टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि OTG सपोर्ट प्रेजेंट है कि नहीं। तो मेरे पास एक इन्फिनिक्स हॉट 8 और एक OTG पेन ड्राइव, ठीक है, अभी टेस्ट करते हैं। एक बात पहले बता दूं, अगर आपका बैटरी परसेंटेज जो है 5% से कम है तो OTG पेन ड्राइव जो है कनेक्ट नहीं होगा, वो वार्निंग दिखाएगा कि बैटरी को पहले चार्ज करो, ठीक है। तो अभी इसे कनेक्ट करते हैं। तो जैसे हमने कनेक्ट किया, इसमें एक ऑप्शन आया इनेबल OTG सेट, गो टू सेटिंग्स। तो हमें सेटिंग्स पे जाना है और OTG को इनेबल कर देना है, बस सिंपल एज दैट। जैसे ये करोगे आपको नोटिफिकेशन बाद में जाना है और नोटिफिकेशन बाद में क्लिक करना है और आपका जो पेन ड्राइव है, जो भी फाइल्स है, आप उसे एक्सेस कर सकते हो। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस था। रियलमी 3i में तो थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें अपने आप सेटिंग्स में ले जाता है, उसमें हमें खुद जाना पड़ता है। तो बस यही है प्रोसेस। तो ट्राई करके देखना OTG पेन ड्राइव से। आप वैसे स्टोरेज 64GB है, अगर ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो आप वो भी कनेक्ट करके जो मूवीज़ वगैरह है उसे एंजॉय कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि 7000 का फ़ोन जो है OTG पेन ड्राइव को भी सपोर्ट कर रहा है, मतलब आप माउस भी कनेक्ट कर सकते हो, कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हो, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो इस वीडियो के लिए इतने, आपने देख लिया कि OTG इसमें प्रेजेंट है तो काफ़ी अच्छी बात है। एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन स्किप किया और इसमें OTG सपोर्ट कर रहा है, तो आपने देखा कि OTG सपोर्ट कर रहा है और सेटिंग्स वगैरह में जाके इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही प्रॉम्प्ट करके इनेबल करता है। तो ये XOS का थोड़ा सा कूल फीचर लगा मेरे को। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। और कल इसका कैमरा रिव्यू आने वाला है और वीडियो सैम्पल रिव्यू भी आने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।